हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके यहाँ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोग यहाँ से कल सुबह वहाँ कुवैत के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ का जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लेंगे, जो घायल हैं, जिनको चोटें हैं, जहाँ जहाँ अस्पतालों में हैं उनका जायजा लेंगे कि उनका इलाज कैसा चल रहा है। जो हम लोगों की रिपोर्ट है, हम लोगों के एम्बेसी के सारे वहाँ पे अधिकारी कई बार जा चुके हैं, उसके साथ साथ कुवैती अथॉरिटीज़ भी बार बार विजिट किए हैं और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनके अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो जो पूरा सिनेरियो हुआ है लालच की वजह से हुआ है। देखिए, इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम लोगों को इस घटना इस सिचुएशन को देखना है, उसको कंट्रोल में करना है और इसमें बेहतर से बेहतर सहायता उपलब्ध करानी है, जिसके लिए हमारी सरकार सारी यथासंभव प्रयास कर रही है। सर, इसमें मैक्सिमम लोग केरला के, तमिलनाडु के और उत्तर भारत राज्यों के भी हैं। जी, इसमें जो लोग हैं जो अभी तक पता चल रहा है कि इन राज्यों के हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू है। सर, आगे का कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाया है कि फर्दर जब वो वापस आएंगे तो उसके लिए? वो अभी जो सामने सिचुएशन है उसको डील करना है, उसके बाद की स्ट्रैटेजी यहाँ पे सरकार बनाएगी। आप लोग कब तक रहेंगे वहाँ पे? कब तक आप जब तक वहाँ जरूरत पड़े हम लोगों की, जब तक जरूरत हो हम लोग। कुवैत के मंगाफ शहर में भारतीय श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में भीषण आगजनी मामले में भारत सरकार ने संज्ञान लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसे लेकर एक बैठक भी हुई। इस बैठक को लेकर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदना है, प्रधानमंत्री के साथ अभी हमारी बैठक हुई है। उन्होंने बताया कि वे सुबह कुवैत के लिए रवाना होंगे और वहाँ हालात का जायजा लेंगे। जो लोग अस्पताल में हैं उनका भी जायजा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। अधिकतर लोग केरल और दक्षिण भारत के राज्यों से रहने वाले हैं। सुनिए उनका ये पूरा बयान। हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके यहाँ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोग यहाँ से कल सुबह वहाँ कुवैत के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ का जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लेंगे, जो घायल हैं, जिनको चोटें हैं, जहाँ जहाँ अस्पतालों में हैं उनका जायजा लेंगे कि उनका इलाज कैसा चल रहा है। जो हम लोगों की रिपोर्ट है, हम लोगों के एम्बेसी के सारे वहाँ पे अधिकारी कई बार जा चुके हैं, उसके साथ साथ कुवैती अथॉरिटीज़ भी बार बार विजिट किए हैं और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनके अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो जो पूरा सिनेरियो हुआ है लालच की वजह से हुआ है। देखिए, इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम लोगों को इस घटना इस सिचुएशन को देखना है, उसको कंट्रोल में करना है और इसमें बेहतर से बेहतर सहायता उपलब्ध करानी, जिसके लिए हमारी सरकार सारी यथासंभव प्रयास कर रही है। सर, इसमें मैक्सिमम लोग केरला के, तमिलनाडु के और उत्तर भारत राज्यों के भी हैं। जी, इसमें जो लोग हैं जो अभी तक पता चल रहा है कि इन राज्यों के हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू है। सर, आगे का कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाया है कि फर्दर जब वो वापस आएंगे तो उसके लिए? वो अभी जो सामने सिचुएशन है उसको डील करना है, उसके बाद की स्ट्रैटेजी यहाँ पे सरकार बनाएगी। आप लोग कब तक रहेंगे वहाँ पे? कब तक? जब तक वहाँ जरूरत पड़े हम लोगों की, जब तक जरूरत हो हम लोगों।